गुरुजी के जाने के बाद कोई नहीं रहा दिशा दिखाने वाला, इसलिए हम लोगों को एक क्षण भी नहीं लगा ये फैसला लेने में कि हम ये अलायंस तोड़ देंगे। आखिर निस्वार्थ कार्यों से हमें आप लोगों का दिल जीतना है और बिना हाथ उठाए ऑपोजिशन वालों को कस के तमाचा देना है। तू जा मायला, हमारे घर वालों पे अटैक करता है तू, भूलकर भी आइंदा हमले करने की भूल मत करना, नहीं तो अगली बार पूरे पब्लिक के सामने प्राइवेट जगह पे लात मारूंगी। तो तूने सबके सामने खड़ा क्या है? अरेस्ट कर इसको। ए, देख क्या रहा है? इसने पूरी पब्लिक के सामने एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन पे हाथ उठाया है, इन सबको अरेस्ट कर। मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? सब लेडीज हैं और लॉ के हिसाब से सिर्फ लेडी ऑफिसर्स इनको हाथ लगा सकती हैं। ये कैसा लॉ है? The judgment is State of Maharashtra versus Christian Community Welfare Council of India. In this, the Supreme Court clearly states that a lady should be arrested by a lady officer only. एक औरत को सिर्फ एक लेडी ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है। This clarifies Section 46 of CRPC. लेडी ऑफिसर किधर है? बुलाया है। टाइम लगेगा। ना सिंगम भाव का दया, उस प्रकाश राव को लाफा मारकर बेइज्जत करने का क्या आइडिया निकाला? हाँ, आराम से चला दया, जल्दी किस बात की? साले मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाए ना तो जान से मार दूंगी, समझे? कहाँ तक पहुंची लेडी ऑफिसर? तो ये सब तेरा किया धरा है राव, आज तो सिर्फ तेरे होश उड़े, एक बार अल्ताफ को होश आ जाए फिर मुझे तरीके की नहीं सिर्फ ताकत की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उसका होश में आना जरूरी है, कोमा में है वो, कोमा में। और ये जो तूने किया, क्या सोचता है पॉलिटिक्स खेला मेरे साथ? खेल, खूब खेल, पर इस खेल का अंपायर मैं।